मिस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी महिला का मामला लेके आए हैं जिसने आठवीं में पढ़ते ही उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी और उसके कुछ समय के बाद उसके पति ने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया और अभी अपना पालन पोषण करने के लिए और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वो ऐसा काम कर रही है जो कि हर कोई उसकी सराहना कर रहा है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं इस महिला के बारे में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज इस महिला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उनका नाम है मधुमिता। मधुमिता ने एक न्यूज चैनल से बात की है क्योंकि कोई भी इनके बारे में सुनता है तब काफी ज्यादा प्रेरित होता है। मधुमिता को ऑटो चलाते हुए 9 साल हो गए हैं और वो हर महीने 10,000 रुपए तक कमा लेती है जिससे वो अपना घर का गुजारा और उसी दौरान ही अपने 2 बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पा रही है। इस दौरान ही मधुमिता ने अपनी कहानी बताते हुए ये चीज बोला कि जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ी तब भी जो है मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी और कुछ समय बाद जो है मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मुझे काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, काफी ज्यादा अलग अलग मैंने काम भी किए पर कुछ भी ये सब चीजें नहीं बनी जिसके कारण मैंने ऑटो चलाने का सोचा। जब मैंने ऑटो चलाया तभी मुझे काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, काफी सारे लोगों ने मुझे काफी सारे ताने दिए, काफी सारी बातें बोली पर मैंने हार नहीं मानी। आज जो हूँ वो मैं अकेली एक ऐसी महिला हूँ जो कि पहली महिला थी जब मैंने 9 साल पहले ये सब चीजें शुरू की थी और उसके बाद जो है मैं अभी हर महीने 10,000 रुपए कमाती हूँ और अपने परिवार का और अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पा रही हूँ जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और मैंने ये ऑटो जो है वो पकड़ के अच्छी बात की और ये काम करके अच्छा चीज किया जो कि मेरे जीवन का एक बहुत ही अच्छा एक पल रहा है जहां पर मुझे कुछ सीखने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये 3 पहिए जो मिले हैं वो काफी ज्यादा खास है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।